आप क्या शादी करने के लिए तैयार हो? दिन में कितनी बार हिलाते हो? सब लोग जानना चाहते हो कि अनामिका और मेरा रिश्ता क्या है, ये रिश्ता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत टाइम बाद फिर से Q&A करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम वाले Q&A को बहुत सारा प्यार दिया था तुम लोगों ने। अगर तुम्हें वो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। एक क्वेश्चन जिसे देख के मेरा भी सर घूम गया, जो था ये, हु इज अनामिका, हमारा रिलेशन क्या है? आई नो तुम ये जानना चाहते हो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का सबसे एंड में आंसर करूंगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। नहीं नहीं, एक मिनट, फिर तो तुम स्किप कर दोगे। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कहीं भी कर सकता हूँ बीच में वीडियो के, तो वीडियो पूरा देखना। चलो यहाँ तक तो ठीक था, बट ये क्या है? अब मैं कैसे बोलूँ कि वो मेरी बहन नहीं है? एंड इसमें मैं तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया बाई चांस, तो हम एक नया पार्ट बनाएंगे इसका। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Did you ever accidentally kissed someone in the public? मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, बिकॉज accidentally कैसे किस हो सकता है? क्या मेरे होंठ खुद से जाके किसी लड़की को चिपक सकते हैं? ये सिर्फ सीरियल्स में ही हो सकता है कि तुम खड़े हो, टर्न लिया, तुमने एक लड़की सडनली किस हो गया। रियलिटी में तो आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है। मैं तो इतना अनलक्की हूँ कि मेरे तो कभी घड़ी में भी किसी लड़की का दुपट्टा नहीं फंसा था। If you were with your best friend in a dark room, what would you do? Depend करता है मेरा best friend लड़का है या लड़की है। I mean लड़की होगी तो obviously मैं पूछूंगा कि तू किधर है, ठीक है, और कोशिश करेंगे वहां से निकलने की। और लड़का होगा तो मैं, मुझे दिख गया तो मैं उसको मार के फिर से छिप जाऊंगा कहीं कोने में, मतलब मजा आता है करने में। A recent film that you love the most, no doubt KGF 2। दिन में कितनी बार हिलाते हो? क्या हिलाते हो, मतलब थोड़ा क्वेश्चन डिटेल में होता तो मेरे लिए बेटर होता, बिकॉज हिला बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई मीन कुछ भी हिला सकते हो तुम दिन में। सो नेक्स्ट टाइम कुछ डिटेल में पूछना कि क्या हिलाते हो, ठीक है। आई डोंट नो क्या बात हो रही थी। हाउ मच डू यू लव योर फैंस? ओके, तो मैं एक गाना गाना चाहूँगा तुम सबके लिए, अपने सब फैंस के लिए जो सब मेरे को इतना प्यार करते हैं। मैं चाहूं तुमको मेरी जान बेपना। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो मरमेड होती है रियल लाइफ में? क्वेश्चन मार्क। देखो, जो मानता है उसके लिए सब कुछ होता है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं होता है, सिंपल। एंड व्हाट्स योर प्लान फॉर योर फर्स्ट नाइट? है जो इरादे बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम। यार ये प्लान मैं सबके सामने थोड़ी बता सकता हूँ। डिड यू एवर ईट बिरयानी विद चॉकलेट सिरप? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने कभी नहीं खाई है, एंड सुनने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट नो अच्छी लगती है या नहीं लगती है, बिकॉज आजकल बहुत बियर्ड कॉम्बिनेशन आ गए, जैसे फैंटा मैगी, और जो कुछ चीजें देखने में सही लगती है वैसे कुछ चीजें बहुत अजीब लगती है। लाइक मैंने सुना था एक आया कि मैगी शेक, सुनने में इतना वियर्ड लग रहा है, मेरे को लगता भी नहीं वो अच्छा लगता होगा। ठीक है, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट मैं थोड़ा नॉर्मली खाना पसंद करूंगा, बिकॉज मेरा पेट इतना अच्छा नहीं है कि ये सब वियर्ड चीज़ें डाइजेस्ट कर लूँ मैं। आप क्या शादी करने के लिए तैयार हो? अरे यार कैसा क्वेश्चन है, मतलब तैयार? घोड़ी नीचे खड़ी है, बस अभी चढ़ने जा रहा हूँ, वीडियो बना के घोड़ी चढ़ के बस शादी करने जा रहा हूँ। मेरा कंटेंट वाले से ऐसा हो, बट सीरियसली मुझे शादी कोई जल्दी नहीं है, अभी मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ कंटेंट तुम लोगों को खुश करने का चाहता हूँ, जो तुमको अच्छा लगता है, मेरे रियल लाइफ का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। व्हाई आर यू सो डर्टी माइंडेड? यार कहाँ है मेरा डर्टी माइंड? मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, टिकटॉक्स ओनली डर्टी माइंड्स विल अंडरस्टैंड, एंड मेरे को उसमें तो मुश्किल से 3 टिकटॉक समझ आई थी। मैं बहुत इनोसेंट हूँ। शादी कब लो भाई, एक और आ गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इंडिया में कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है क्या मेरी शादी कराने के अलावा?
भाई कर लूंगा, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, अभी बहुत टाइम है। शादी कब करोगे भाई? शादी भाई मैं तो चाहता हूँ मेरी शादी सबसे लेट हो, आई मीन सबसे लेट का मतलब 60 साल नहीं, बट ठीक है 28-29 के आसपास, ठीक है। सो अभी मेरी बहुत कम एज है उस हिसाब से। अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड होती तो आप क्या करते? हा हा हा, जस्ट जोक। एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड के साथ जो जो करता है वही सब करता, ठीक है, आई मीन केयर करता, प्यार करता, और बाकी तो तुम समझदार हुई। हाउ डिड यू मीट अनामिका दीदी फॉर द फर्स्ट टाइम? एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं चाहता हूँ तुम लोग ये जानो। तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से फॉलो करते थे, बहुत टाइम से, बट हमने एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। एंड एक दिन क्या हुआ कि मैं आई डोंट नो मेरी स्टोरी या रील पे किसी एक चीज़ पे रिप्लाई किया था कि ऐसे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, एंड इस तरह हमारी बात स्टार्ट हुई थी। फिर हम कुछ टाइम बाद हमने डिसाइड किया कि हम मिलेंगे, बिकॉज हम दोनों गाज़ियाबाद से ही थे एंड हमारी वाइफ थोड़ी मैच हुई, तो हमने डिसाइड किया कि हम मिलेंगे। सो उसके बाद हम जिस दिन मिलने वाले थे तो वो पहले आ गई थी एंड मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया उस दिन। और बैड लक थी कि उस दिन क्रिसमस था, तो सारे हॉस्पिटल भी बंद थे, मैक्सिमम हॉस्पिटल बंद थे। तो मतलब मैं उसको स्कूटी पे बैठा के फिर हम हॉस्पिटल ढूंढा, बहुत टाइम बाद हमें फिर एक जगह मिली जहाँ पे हम उसकी पट्टी करा पाए। आई मीन ज़्यादा नहीं लगी थी बट पैर में लग गई थी, ठीक है। सो उसकी पट्टी कराई हम मैंने, फिर उसकी पट्टी कराने के बाद हम दोनों ने चाय पी। अजीब बात ये थी कि उस दिन उस चाय वाले के पास एक ही कप था, तो हमको हम दोनों को एक ही कप से चाय पीनी पड़ी। मे भी तुम लोगों को ये रोमांटिक लग रहा हो बट उस टाइम पे रोमांटिक नहीं था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते थे कि हम कप शेयर कर सकें। बट कोई बात नहीं, ठंड थी तो भाई मजबूरी भी थी, चाय पीनी भी ज़रूरी थी क्योंकि चाय से भी प्यार है। तो हमने शेयर की, उसके बाद हमने थोड़ी देर बात की और उसके बाद फिर लेट्स हाउ वी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड वॉट विल बी योर आंसर इफ यू गेट अ चांस टू वर्क एज अ लीड करेक्टर इन सीरियल? देखो यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा। बट एक चीज़ है, सीरियल में ना यार एक इन बंदा अगर छत से गिर रहा है तो उसमें 10 एपिसोड निकाल देंगे, मतलब वो 10 एपिसोड तक छत से गिर ही रहा है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि बस अगर कुछ ऐसा सीन हो तो मेरे को एक एपिसोड में निपटा देना, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, ये धुमताना नहीं चाहिए मेरे को अपने वाले, ठीक है। वॉट हैपन्ड विथ योर ओल्ड अकाउंट? तुम मेरे को इमोशनल कर देते हो जब अकाउंट की बात करते हो। आई डोंट नो उसके साथ क्या हुआ है, तो मेरी सारी मेहनत चली गई उसमें, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ ट्राई अपने नए अकाउंट पे। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ जाओ और उसको फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उस पर बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बहुत सारी मेमोरीज थी मेरी, जो कि एकदम इंस्टाग्राम ने बिना कुछ बोले बंद कर दिया मेरा अकाउंट विदाउट एनी रीज़न। इवन मैंने कुछ ऐसा पोस्ट भी नहीं किया था। सो चलो इमोशनल नहीं होते अभी। ओके, तो अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे, जो मुझे पता है तुम सब लोग जानना चाहते हो कि अनामिका और मेरा रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और रिश्ता क्या कहलाता मैं उन्हें खुद नहीं पता चल पाया था रिश्ता क्या कहलाता है। तो अनामिका जो है मेरी गर्लफ्रेंड, तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है, जैसे के बी सी भी नहीं करते, ठीक है। तो यार देखो मैं ना तुम्हें सच सच बताऊँ, मैं ये बात बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस लड़की का मैंने जो मैसेज पार्ट लिया वहाँ पे कि तुमने देखा ही था उसने क्या बोला है, मेरे एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सो मैं उसकी वजह से ये बात नहीं बताऊँगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू हमें। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आई नो तुम लोग कर दोगे बिकॉज तुम लोग मेरे से बहुत सारा प्यार करते हो। और मैंने सोचा है कि अब से हम हर एक मंथ Q&A करेंगे, मतलब हर एक मंथ का एक न्यू Q&A होगा, बिकॉज इससे हम कनेक्ट रह सकते हैं दूसरे से। और ये मैं बहुत टाइम बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। वो अगर तुम्हारे क्वेश्चन रह भी गए हैं तो नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे, इट्स ओके। और हाँ यार इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लो, बिकॉज अभी मैंने तुम्हें अपना दुख दिखाया ना,
तो इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लेना, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये मेरी आईडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।